नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल के दिन मैंने ITI NCVT ट्रेनी वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं किया है, वो अपने फ़ोन से सक्सेसफुली कैसे ट्रेनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी तक लगभग 7600 से अधिक लोगों ने देखा है और साथ में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जैसे कि 78 यहाँ पे मैसेजेस हैं जिनका रिप्लाई मैं करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने भी इसमें मैसेज किया हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करेगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मैसेज नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग ट्रेनी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप सभी के काम की होने वाली है, इसलिए कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा था कि कर लो यह काम, नहीं तो सो नहीं होगा रिजल्ट। तो ट्रेनी वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ITI कर रहे हैं और आपका रिजल्ट जो है तो NCVT की साइट पर शो हो, तो आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ मोस्ट रिसेंट कमेंटेज हैं जिनको मैं पूरा का पूरा ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला नंबर जो कमेंट है अभी 4 मिनट पहले का है, NCVT का वेबसाइट घटिया है सबसे आज तक का। तो जी बिल्कुल, अभी की बात करें तो बिल्कुल जयसवाल जी, NCVT की जो साइट है काफ़ी स्लो वर्क कर रही, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पेज ओपन ही नहीं होता है, नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सर्वर है, अभी 3 दिन पहले इस पेज को नया किया गया था, यानी कि 3 दिन के लिए साइट को बंद कर दिया गया था। और कल फिर से जब मैं वीडियो बना रहा था तो सर्वर जो है तो फास्टली वर्क कर रहा था। अभी मैं लास्ट में आपको NCVT की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूँगा और वहाँ पर ले जाकर आपको दिखाऊँगा कि कैसे सर्वर वर्क कर रहा है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट कमेंट है, सर नहीं हो रहा है, लास्ट डेट क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है राहुल जी का। आपको बता दें कि लास्ट डेट इसकी कुछ भी नहीं है, ना कोई इसका लास्ट डेट है ना कोई स्टार्ट डेट है, बिकॉज आपका जब रिजल्ट आएगा उसके लिए आपको जो है तो इसको ट्रेनी वेरिफिकेशन करना है, यानी कि रिजल्ट आने से 1 घंटे पहले भी अगर आप लोग ट्रेनी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट वहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर सर्वर अनेबल बता रहा है, तो सेम प्रॉब्लम सर्वर अनेबल इसलिए बता रहा है क्योंकि वहाँ पर साइट जो है तो हैंग हो गई है, क्रैश हो गई है, अभी जो है तो वर्क नहीं कर रहा, साइट नहीं खुल रहा है। कब खुल सकता है, कब कब खुलता है, नाइट या डे में? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका, निराला जी का, राज निराला जी का। तो इनको मैं बता देना चाहता हूं और इनके साथ सभी को बता देना चाहता हूं कि साइट खुलने का कोई भी टाइम नहीं है, ना डे ना नाइट, यानी कि ना दिन ना रात। हाँ एक चीज जरूर है, अगर उस वक्त बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, जब आप ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है साइट खुल जाए, और इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं, आप लोग ट्राई करते रहेंगे खुल जाएगा। और जैसे ही सर्वर सही होता है मैं एक वीडियो बना दूंगा। भाई सर्वर एरर बता रहा है, दूसरा उपाय बताइए। तो जी बिल्कुल असलम जी, आपको बता दें कि इसमें कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, बिकॉज ये NCVT मिस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी होना है इसी के अंदर से होगा। 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक और उपाय मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जो कि क्रोम ब्राउजर से आप लोग कर सकते हैं, एक उपाय है तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। अभी तो ओपन ही नहीं हो रहा, तो जी हाँ बिल्कुल अभी ओपन नहीं हो रहा अजय प्रकाश सिंह जी। और इस साइट इसका डेट कब तक है, सर इसका डेट कब तक है? तो इसका डेट जो है तो कोई भी नहीं, आप लोग अनलिमिटेड यानी कि बहुत टाइम तक आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब भी कभी आपका हो जाएगा सक्सेसफुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी इस साल से जो है तो ईयरली एग्ज़ाम हो गया, तो अभी आपका लगभग जून से जुलाई तक में आपका ITI के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर गेमिंग जी का कमेंट है, सर साइट बंद है, बंद आ रहा है। तो जी बिल्कुल अभी जो साइट है वो लोड नहीं ले रहा है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो कमेंट आया हुआ है, होम पेज जब ऑन करते हैं तो नहीं खुलता। जी बिल्कुल, होम पेज पे अभी मैं आपको ले चलूंगा और वहां की कंडीशन से अवगत कराऊंगा। सुनील नायक जी, भाई इसकी लास्ट डेट, सेम क्वेश्चन, लास्ट डेट कुछ भी नहीं है, आप लोग कभी तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे जो अगला है, नहीं खुल रहा है, सर्वर अनेबल लिखा है। तो जी बिल्कुल प्रॉब्लम सभी के साथ में हो रही है, सर्वर अनेबल इसीलिए बता रहा है क्योंकि इसका जो साइट है वो लगभग अभी के लिए क्रैश है। सर वेरिफिकेशन का लास्ट डेट कब है? तो वेरिफिकेशन का लास्ट डेट कुछ भी नहीं है, राजीव जी को मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, आप लोग कभी तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी पे मैसेज लेट से आता है, क्या करें? तो जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं वीडियो को लंबी कर रहा हूं क्योंकि यहां पे 2 कॉमन क्वेश्चन है। जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल पे मैसेज आता है
वो मैसेज काफ़ी लेट से खुलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे ईमेल आईडी पे लगभग 5 से 6 मैसेजेस आए हुए हैं, और जबकि मैंने ट्राई कर रहा था जल्दी से जल्दी, मैं जब एक टाइमिंग होता है वहाँ पे 30 सेकंड का लगभग, तो वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मेरे को 10-15 मैसेज आए। मैं अभी आपको इसकी जीमेल आईडी पे ले जाके उसको पूरा का पूरा वहाँ पे दिखा दूंगा। लास्ट डेट क्या है, सेम क्वेश्चन दीपक जी का, लास्ट डेट इसका कुछ भी नहीं, आप लोग कभी तक अप्लाई कर सकते हैं। भाई वेरीफाई के लिए नहीं आ पाया, पेज तो नहीं खुल गया, तो जी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम वही हो रही है। और एक प्रॉब्लम है, आप लोगों के कमेंट है कि मतलब कि अगर आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो गया, तो यहाँ पे देखें एक कमेंट है, ये अब्दुल्ला फ़कीर जी का, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हुआ है कैसे पता करें, ईमेल नहीं आया है, ओटीपी मोबाइल पर आया है। तो आपको बता दें कि आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल पे भी ओटीपी आना चाहिए और ईमेल पे भी ओटीपी आना चाहिए। जब दोनों को डाल के आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तभी जाकर आपका सक्सेसफुली ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और इनका कहना है कि जो मोबाइल पे मैसेज ईमेल आया नहीं आया है और मोबाइल पे आ गया है, तो ये ओटीपी आने वजह से काम नहीं चलेगा। एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो ओटीपी आपको मिला है उस ओटीपी को आपको दिए गए बॉक्स में जो आपका खंधा है उसमें लिखना होगा, और उसके बाद राइट क्लिक करना होगा जो एक छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ है, देन उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा, तभी जाकर आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं 2015 में पास हुआ हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसे कैंडिडेटों को मैं बता देना चाहता हूँ जो कि आज से लगभग 2 से 3 साल पहले पास हुए हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो रनिंग में चल रहे हैं या फिर आगे करने वाले हैं, जिनका रिजल्ट रुक सकता है, जिनका रिजल्ट आ गया उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे राजेश जी का कमेंट है, सर मैं 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको बता दें कि 10 दिन से सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, लगभग इसका सर्वर तब सही था, मैंने भी एक ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किया था लगभग आज से 5 दिन पहले, और कल भी इसका पेज ओपन हो रहा था जिसका मैं लाइव प्रूफ आपको वीडियो बना के दिखा दिया था। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इसका कोई ऑफलाइन सिस्टम है क्या, बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी ऑफलाइन सिस्टम नहीं है, आपको ऑनलाइन ही इसको कराना होगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक और कमेंट है, वेब नहीं खुल रहा है भाई, कोई उपाय बताओ। तो आपको उपाय एक ही है, अभी मैं होम पेज पर लेकर चलूँगा, हो सकता है वहाँ पर अगर पेज ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं मेल दिखा देता हूँ कैसे मेल आता है। तो दोस्तों मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर रखा है, और आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे नो रिप्लाई करके आपको मेल आएगा ट्रेनी ईमेल वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का मेल है, मेरे पास लगभग 7 मेल आए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 7, और जबकि एक ही बार मुझे वेरीफाई करना था। और अभी देखिए आज है आपका 25 तारीख और ये 15 मार्च का मेल है, यानी कि आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने भी ट्राई किया था, और यहाँ पे देखिए 14 मार्च, यानी कि ये मेल कंटिन्यूसली आते गए। और ये जो ओटीपी दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ही ओटीपी दिया जाएगा, और अभी मैं आपको फ़ोन में भी दिखाऊँगा कि मोबाइल में भी मैसेज कैसे आता है। तो ये ओटीपी रहा आपका जीमेल का, जैसे ही मैं 7 पे क्लिक करता हूं आपके सामने ये सभी मेल ओपन हो जाएंगे, नो रिप्लाई नो रिप्लाई नो रिप्लाई नो रिप्लाई नो रिप्लाई, और सभी के अंदर मिस करके, मिस एप्लीकेशन सिस्टम करके आपको ये मेल देखने को मिलेगा। और यहां पे कहा जाएगा कि दिस इज एन ऑटो जनरेटेड मेल, प्लीज डू नॉट रिप्लाई टू दिस मेल। तो आप लोगों ने देखा ये मेरे पास कितने सारे मैसेजेस हैं, लगभग 14 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच आए हुए हैं, और मैंने सक्सेसफुली ट्रेनिंग वेरिफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद चलिए मोबाइल का मैसेज दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स शायद मैंने मोबाइल का ओटीपी हटा दिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शो कर रहा है, लेकिन मोबाइल का ओटीपी हटा दिया। मैं आपको सीधे क्रोम ब्राउज़र पर ले चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको सर्वर अनेबल का और इरर का बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और बिकॉज मैंने ओपन किया था तो आपको सीधे गूगल पे चले जाना है, और यहाँ से आपको टाइप करना है NC और VT, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं miss.government.in, और सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं तो ये सर्चिंग लेगा, देखिए, और ये पेज लगभग ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पेज सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो एक दूसरे ऑप्शन के बारे में आप सभी ने पूछा, तो आपको बता दें यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा और एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो इन ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के अंदर आपको करना क्या होगा उसके बारे में बता देता हूँ आप सभी को। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा,
या तो आप ट्रेनिंग में क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि अभी आपके आया सामने। तो एक ऑप्शन जो कल मैंने बताया था ट्रेनिंग प्रोफाइल के थ्रू आपको जाना है, और एक अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फोर्थ नंबर में यहाँ पे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सर्वर अनेबल आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको डेस्कटॉप साइट में लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी ये सर्वर अनेबल ही बताता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी जो साइट है वो कम लोडिंग ले पा रही है, यानी कि इसका जो सर्वर है वो अनेबल है, एरर बताया जा रहा है। तो हम लोग बार बार कोशिश भी कर ले तो कोई मतलब नहीं होने वाला है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं NCVT मिस पोर्टल की तरफ से। तो इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो सिंपली जो है तो इसका होम पेज तो ओपन हो जाता है, और वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका प्रॉपर मैं रीज़न बता दे रहा हूँ और इसका जो है तो उपाय बता दे रहा हूँ आप सभी को। इसका उपाय केवल एक ही है कि आप सभी जो है तो ट्राई करते रहिए, अगर आपका सक्सेसफुली ओपन हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये हो जाएगा। और वैसे भी जब लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और जो कमेंट करने वाले होंगे उनका भी जवाब मिल चुका होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का